बारामूला। बस ठीक सर, रुकिए तो सर। बारामूला व्यापार मंडल सिलेक्शन और सिलेक्शन के लगभग 15 डिले थी आज के मामला दिन बाद में मन फाइनली जो ही हो तो आत्मदाय से उम्मीदवार चुने मोहतरम तारिक मबूस तो मोहतरम फारूक उत्तर मुसल जल चुके तो इस वर्मिली ग्रुप इस एमूवी बन इस दरावस में कि बारामूला व्यापार मंडल का तवारीख का बुजुर्ग हिस्ट्री और बुजुर्ग वर्मल की सैनी तरक्की में पेश खान करनस में ईजाद भी करनस में जो बाबा रोड अपनवाया रोड पूरी ईजाद किया चाहे जो उसमें कामयाब रहा या नहीं रहा वो आपको सभी इल्म है। लेकिन अगर मैंने कहीं भी कोई बदयानती की होगी तो उसके लिए कल मुझे कयामत में हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन आपके हकूक के लिए बारामूला की तामीर तरक्की के लिए जो भी हमसे बन पड़ा उसमें तारिक साहब मेरे शान बुशाना रहे, हमने हर इम्कान कोशिश की और जिस हम हर लेवल पर गए और जो भी हमसे बन पड़ा हमने वो करके दिखाया। इंशाअल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि ये जो ट्रेडर्स फेडरेशन है जो एक तारीख है ये इंशाअल्लाह और मजबूती से आगे बढ़ेगी और ये जो मेरे दो भाई अब इसमें आ गए हैं मैं इनसे एक बार फिर यही अपील करूँगा कि आप मजबूती से आगे बढ़िए। तमाम तालीम बरादरी आपके साथ है, यहाँ के लोग आपके साथ हैं, क्योंकि पहले हम दुकानदार हैं उसके साथ साथ हम बारामूला के शहरी भी है। हमारे अपने हकूक है बेसिक ताजिर भी और बेसिक यहाँ के शहरी भी, हमें अपने हकूक के लिए लगना चाहिए और हम उसमें एक सिर्फ इस वजह से कामयाब होंगे जब वो एक हो जाएंगे हम 1200 और की ट्रेलर बात कीजिए। शुक्रिया, वसलाम, शुक्रिया। जबकि बड़ साल का बाबू जी बड़ साल मोहम्मद शहबाज साहब और फरशीद गुल साहब को जो अभी मुझे नजर पड़ी बस थैंक यू वेरी मच। बात कर तारीफ के साथ मेरा बहुत ही गाजी के सदर आजम है वो अपना छोटा भाई समझता हूँ फारूक सारा के साथ भी तारा उठाया है सरदार अब उनको एक प्रेजेंट में अगर हम जमा रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि ये जो पिछले एक सवा साल में यहाँ से सिलसिला रहा उसकी क्या वजह बात करी मुझे उसको जानने की जरूरत नहीं है। मैं जब अक्सर फ्री में जब मैं रहता हूँ बाकी इलाके में आना जाना रहता है मैं एक बार आपसे बुनियादी तौर पर किसी जगह की तहजीब का सफी होता है। ताजिर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि उसका दानिशमंद होना, उसके अंदर ताजराना दानिशमंदी होनी चाहिए ताकि वो नुकसान के मामला को लेकर अपना कारोबार बनाए उसे बिठाए। हम क्यों ना आज ये एक 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 वादा है आपसे अपने आप से कि थैंक यू वेरी मच एडवांस अगेन तारिक साहब आपको बहुत बहुत मुबारक। सीइंग दैट सम ट्रेडर्स हैव रिजन टू सच अ लेवल एंड हैव बीन सेट एग्जांपल्स फॉर अस आई एश्योर द प्रेसिडेंट एंड द रिजर्व सेक्रेटरी दैट ये इंडियन बैंक माय ऑफिस एंड ऑल द ब्रांचेस will work hand in hand with them so that we'll be resolving all the issues and we'll take this traders to the next level. Thank you so much. कि vibrant relations हो गए हैं और vibrant जो चुने हुए लोग हैं वो सामने आए हैं। अगर हम देखें कि इस समय जो शख्सियात यहाँ पे बैठी हुई हैं ये मेरे ख्याल में नॉर्थ कश्मीर के मौजूदीन मेजरीन में शुमार होते हैं। अपना कीमती वक्त निकाल कर तारिक अहमद मखलू साहब और ये फारूक अहमद कन्नू साहब हैं इनके प्यार में और इनमें जो सलाहियतें हैं तमाम ये जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं इनको खींच कर यहाँ पे लाया हुआ है। अगर हम देखें
कि पिछले कुछ वर्षों से हर एक शोबे में इरोजन हुआ है। हमें लगा कि शायद ताजिर जो बरादरी है, इनका जो व्यापार मंडल है, इसमें भी कहीं पे इरोजन हुआ है। जितने भी मुकर्रीन यहां पे आए, उन्होंने कहा कि ये जो व्यापार मंडल की इलेक्शन थे वो कई सालों से नहीं हुए, और मुझे भी इसका जाती मुझे इसकी जाती अहमियत है कि इसे इन चुनाव को माफूर किया गया। मैं वो ताजिर हजरत है, उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी, बार एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट, लोकल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आप सब यहाँ आए हुए हैं। क्योंकि आज का जो यहाँ पर हलत बदलाने का प्रोग्राम है, इसका यहाँ पर एक एडवाइजरी लेते हुए मैं तारिक अहमद बाबू साहब और फारूक अहमद कलम साहब दोनों को अपने यहाँ हमारा ग्रुप है ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन, और मैं इनके बगल में खड़ा था, मेरे पास इन लोगों को बहुत बहुत मुबारक। बारामूला ट्रेडर्स फेडरेशन ने जब जब कोशिश की हम बारामूला की बेनती के लिए एक प्लेटफॉर्म पर एक होकर इस बारामूला की बेनती के लिए काम करें, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है जिस इलेक्शन का मुहिम शुरू की गई, फार्म की डेट हुई, लेकिन बदकिस्मती से जब फार्म भरे गए तो इसमें हम लोग अपने आप को वेल एजुकेटेड कहते हैं, मस्जिद शहरी कहते हैं और बुलंदबान दावे करते हैं कि बारामूला की बेहतरी के लिए काम करने वाले हैं। हम इलेक्शन बोर्ड के कदम को सराहना देते हैं कि यहाँ पे उन्होंने डेमोक्रेसी को एक बार फिर मौका दिया कि बारामूला की ट्रेडर्स की कि वो आगे आके इस बारामूला ताजिर की बात करने के लिए बारामूला ट्रेडर्स की मसलों को उजागर करने के लिए उसी के साथ साथ जब नतीजे आए तो मेरे बड़े भाई तारिक अहमद बंगू साहब जिन्होंने दिल खुश होता है जब हम ये देखते हैं कि तो जिन दो कैंडिडेटों ने इलेक्शन लड़ा और आज उन दोनों को दोबारा हम एक प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो इसी का काम करते हैं। कि ये पकड़ावन मिलजुल के क्योंकि इस इंतजार 55 धोन मेरे रोज सुबह सुमतलो क्योंकि जो जीता वही सिकंदर इलेक्टेड बॉडी को शासन इलेक्शन बिल्कुल तारिक सबस तो वे फारूक सबस सपोर्ट करान और गुजारिश करान ये वो रूचे छे इंतजार इस पानी बोए ये मंत्र पकड़ावन शान शान बारामूला तालियों तरह की मस्त बसे क्योंकि अगर इस बारामूला टाउन की हवाल कट करो मुझे बात समझ इस सारी खुद पसमान टाउन। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। जिला पुलिस बारामूला को जो इज्जत बख्शी आज यहाँ पर, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो फेडरेशन यहाँ पर आज इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है, ये हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत ही खुशी का मंजर है कि बारामूला जैसा इतना बड़ा ज़िला और इतना अहम ज़िला और उसके ये सारे जायज़त ताजिर साहिबान इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं अमन की, यूनिटी की, तरक्की की। ये आने वाले दिनों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही अहम बात है कि समाज के इतने बड़े बड़े ओहदेदार जो अपने फील्ड में बहुत ही आला मकाम हासिल कर चुके हैं,
वो सब आज यहाँ पर एकजुट होकर एक ही आवाज में कह रहे हैं कि हमें एक होकर बारामुल्ला की शान के लिए, बारामुल्ला की तरक्की के लिए, यहाँ के अवाम की तरक्की के लिए जो है काम करना है। ये हमारे लिए एज एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही खुशी की बात है और मैं आप सबको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ आपने यहाँ पर पुलिस के काम के जो भी सराहना की उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका। और आपने जो खिताब आज मुझ पर आयद किया उसके असली हकदार हमारे थाना चौकी में काम करने वाले आम सिपाही है, हमारे आम अफसर है। और ये सारी तारीफें जो है ये मैं उन तक जरूर पहुंचाऊंगा। असली अस्सलामु अलैकुम, आदाब, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ तारिक साहब को, फारूक साहब को, पूरी ट्रेडर्स फेडरेशन को कि बड़े ही मुश्किल मरहले से आप निकले और आज आपकी जो ये इलेक्शन है वो अपने मंजिल तक पहुंची है। आप लोग इलेक्ट होके आए हैं तो मेरी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं एक शेर से स्टार्ट करना चाहूँगी अपनी स्पीच। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आपको हम यही दुआ दे सकते हैं कि आप लोग बारामूला को ऐसी ऊंचाइयों पे लेके जाएं कि आपको देख के हमारे जो नौजवान भाई बहन हैं वो भी इंस्पायर हों और वो भी ये कोशिश करें कि किसी तरीके से जब भी वो किसी भी ट्रेड में हों, किसी भी ऑक्यूपेशन में हों, कोई भी प्रोफेशन में हों, तो अपना एक फ़र्ज ये समझें कि हमें सिर्फ अपनी इनफरादी ही कामयाबी नहीं हासिल करनी बल्कि इज्तमाही तौर पर अपनी पूरी सोसाइटी को, अपने पूरे प्रोफेशन को, अपनी एसोसिएशन को और पूरी समाज को एक बेहतर मुकाम पे लेके जाना है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं यही कहूँगी कि हमारी तरफ से जो भी आपको कभी भी किसी मोड पे ज़रूरत पड़ती है या आपको लगता है कि यहाँ पर हमें काम करना चाहिए वो हम ज़रूर उस पर ज़रूर ध्यान देंगे और ये सब मिलजुल के ही हो सकता है। ये इम्पॉसिबल है कि सरकार के कुछ जो मुलाजमीन हैं वो पूरी सोसाइटी को, चाहे हम स्वच्छ भारत की बात करें, सारे बारामूला को साफ़ कर दें या सारे बारामूला को ट्रांसफॉर्म कर दें, ये तभी होगा जब आप लोग हमारा साथ देंगे, हमारी स्कीम्स में, हमारे जो भी हम दिवस मनाते हैं या जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और मैं समझती हूँ कि बारामूला पूरे मुल्क का सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट बन सकता है। मैं फख्र कश्मीर डॉक्टर सैरिश असगर IAS को दिल की उम्मीद गहराइयों से बारामूला के हर तबके के लोगों की तरफ से, चाहे वो मेरे बड़े भाई इंजीनियर परमजीत सिंह डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रेसिडेंट या मेरे हम सफर फार्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ गनाई या यहां पर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स से आए हुए मेरे दोस्त